نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم الحمد لله آج 13 رجب المرجب 1444 सन हिजरी है और आज का दिन आलम इस्लाम के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। अगर मैं यूँ कहूँ कि 12 रबीउल अव्वल के बाद अगर मुसलमानों के नज़दीक कोई दिन सबसे मुतबर्रक मुक़द्दस और मोतबर है तो वो आज का दिन है। और आज के दिन उस अज़ीम हस्ती की विलादत हुई कि जिनकी सारी ज़िंदगी पैदाइश से लेके आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में और उनकी पैरवी में ज़िंदगी गुजरी। आज हम मंबा सिद्को सफ़ा मादन जुदो अता असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब शोहरे बतूल वालिद हसनैन करीमैन हज़रत सैयदना व मौलाना व मुर्शदिना अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में आज हम खराज तहसीन पेश फरमाएंगे। आज आपका योम विलादत है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम आपका मुकाम इतना बुलंद है, इतना अल्लाह ने आपको अरफा वाला मकाम अता फरमाया है कि मैं अगर यूँ कहूँ एक लफ्ज़ में अगर मैं बयान करूँ कि आपका मुकाम इतना बुलंद है कि जहाँ पे आपके मकाम की इंतहा है वहाँ से आगे मकाम नबूवत शुरू हो जाता है। यानी मकाम नबूवत और आपके दरमियान सिर्फ एक सीढ़ी का फ़र्क है। यानी इतना क्रिटिकल और इतना सेंसिटिव अल्लाह ताला ने आपको मकाम अता फरमाया और इल्म के आप बहरे बेकरा हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी विसाल तक। आपकी विलादत बासआदत अमुल फील के 30 साल बाद हुई, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी तब आपकी विलादत हुई। विलादत का वाक़ा इस तरह है कि आपकी वालिदा माजदा हज़रत फ़ातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा वो खाना कबा का तवाफ़ कर रही थी तो दौरान तवाफ़ ही तदज़े हुआ और फिर अल्लाह के हुक्म से रुकने यमानी वाली साइड से एक पत्थर शक हुआ और आप अंदर तशरीफ़ ले गए और 3 दिन तक आप अंदर रहीं। और 3 दिन के बाद जब आप बाहर तशरीफ़ लाएं तो हज़रत अबू तालिब जो हज़रत मौला अली के वालिद माजद हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जब उठाया तो आप आंखें नहीं खोल रहे थे। फिर जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए तो फिर आपने अपनी आँखें खोलें। यानी आपने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस शख्सियत की ज़्यारत की वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। आपका नाम भी रसूलुल्लाह ने ख़ुद रखा, अली अली आपका नाम रखा। और इसके अलावा अबू तुराब आपकी कुनियत है, असदुल्लाह आपका लक़ब है अल्लाह का शेर। इसके अलावा आपको इमामिल मशारिक वल मगारिब मशरिक और मगरिब वालों का भी इमाम कहते हैं, मगर आपको सबसे ज़्यादा जो अपना नाम पसंद था वो अबू तुराब था क्योंकि ये रसूलुल्लाह ने आपको अता फरमाया था। आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और रसूलुल्लाह के साथ आपका जो रिश्ता है वो आपके चचा जान भाई ने यानी हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब ये दोनों सगे भाई थे और इन दोनों की माएँ भी एक हैं तो इस लिहाज से आप रसूलुल्लाह के चचा जान भाई भी हैं, रसूलुल्लाह के दामाद भी हैं, सहाबियत का भी शरफ़ हासिल हुआ और अहले बैत में भी आप शामिल हैं और सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने का भी आपको शरफ़ हासिल हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक़्त आपकी उम्र 10 साल की थी। तो आपने जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत फरमाया जब इस्लाम की दावत दी तो आपने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो तरतीब बयान की है कि मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, खवातीन में हज़रत खदीजा अल-कुबरा और बच्चों में हज़रत अली और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ईमान लाए, मगर इन चारों में फिर एक ज़मानी तरतीब है। मैंने फिर इन चारों में सबसे पहले कौन ईमान लाया तो इसके ऊपर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हज़रत सहल की वो फिर हदीस बयान फरमाई है कि जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ी यानी
ये इनाने नबूवत के फ़ौरन बाद की बात है कि जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह से नमाज़ पढ़ी वो हज़रत अली हैं और ख़वातीन में हज़रत खदीजा हैं। तो यानी जब आप नमाज़ पढ़ते थे तो रसूलुल्लाह आगे होते थे, फिर पीछे हज़रत खदीजा और फिर उनके पीछे हज़रत अली। तो इस तरह दीगर अहादीस से भी, हज़रत अब्बास से भी ये मरवी है कि मैंने खुद देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप नमाज़ अदा करते थे। फिर हज़रत अबू तालिब ने भी आपको फरमाया कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कहते हैं आप बिल्कुल वैसा करें। तो इस लिहाज से ओवरऑल यानी स्पीशीज़ के लिहाज से देखा जाए तो मर्दों में हज़रत अली और ख़वातीन में हज़रत खदीजा अल-कुबरा, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत ज़ैद, हज़रत बिलाल हबशी और हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत यासर और दीगर फिर सहाबा कराम उनका नंबर आता है। और ख़वातीन में हज़रत खदीजा अल-कुबरा, हज़रत सुमैया, हज़रत फ़ातिमा बिनत असद और जो दीगर इस तरह फिर ये चेन है ये फिर आगे इस तरह ख़वातीन की चेन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपने उस वक्त हज़रत मौला कायनात को अपने बिस्तर पर सुलाया और उनको हुक्म दिया कि सुबह ये अमानतें फ़लां काफ़र की हैं ये दे के आप वहाँ आ जाना। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, इन सब की अमानतें रसूलुल्लाह के पास होती थी। यानी वो आपको सादिक व अमीन समझते थे मगर ईमान नहीं लाते थे। यानी वो रसूलुल्लाह को जानते तो थे, समझते भी थे मगर पहचानते नहीं थे। पहचाना किन्होंने? अबू बकर, उमर, उस्मान, हाजी। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने फिर अनसार और महाजरीन के दरमियान मवाखात यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया और आपने एक सहाबी को दूसरे का भाई बनाया, यानी एक महाजर को एक अनसार का भाई बनाया। तो फिर आपने हज़रत मौला कायनात जो आखिर में बच गया और वो गमज़दा थे कि मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, तो आपने उनको फिर अपना भाई करार दिया कि अली अल अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि आप दुनिया व आखिरत में मेरे भाई। फिर बदर का मार्का हो, उहद का मार्का हो, खंदक, खैबर, गज़वा हुनैन हो, गज़वा ताइफ हो, फतह मक्का हो, हर मार्के में आप रसूलुल्लाह के साथ थे। और गज़वा बदर के तो आप हीरो थे, यानी आप यूँ कहें कि आप मैन ऑफ दी बैटल थे गज़वा बदर के, क्योंकि आपने 70 में से 35 काफरों को अपने हाथ से वास्ते जहन्नुम किया। हज़रत अली बिन मुर्तज़ा शेर खुदा की शान में अल्लाह ताला ने 300 से ज़ायद आयात नाज़िल फरमाई और इसके अलावा अहादीस का तो सैकड़ों के हिसाब से अहादीस हैं, हज़ारों के हिसाब से, क्योंकि हज़रत मौला अली की शान में नाज़िल हुई। मगर चूँकि मैं यहाँ पर वक़्त की किल्लत के पेश नज़र 3 अहादीस का जिक्र करूँगा जो सही बुखारी में भी दर्ज है। पहली हदीस ये है कि गज़वा खैबर के मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक से ये हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को अता करूँगा कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, तो वो फरमाने लगे कि मुझे यानी उस वक्त ये फील हुआ कि काश ये झंडा मुझे मिल जाए। हर सहाबी की ये आरज़ू थी मगर रसूलुल्लाह ने वो झंडा हज़रत मौला कायनात को अता फरमाया। जब सुबह हुई फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली नज़र नहीं आ रहे, तो सहाबा ने अर्ज़ी या रसूलुल्लाह वो शोबे चशम में हैं। तो आपने फरमाया उनको बुलाया जाए और आपने अपना लुआब दहन उनकी आँख मुबारक पर लगाया और आपने झंडा उनको अता फरमाया और साथ तलकीन की अली सबसे पहले जाकर उनको इस्लाम की दावत देना और अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो ठीक है, तो फिर नहीं तो उनके साथ जिहाद करना। और आप फिर गए और फिर तारीख गवाह है कि आपने वो जो किला कमूस था उसके दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया और आज तक पता नहीं चला कि वो दरवाज़ा कहाँ पर है। जो दूसरा दरवाज़ा है वो टॉप कापी म्यूज़ियम जो टर्की में वहाँ पे महफूज है और फिर आपने मरहब को वहाँ पे वासले जहन्नुम किया। फिर अमर इब्न अब्द जो गज़वा खंदक में आपके मुकाबले में आया था उसको भी आपने एक वार में उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिया। इसके अलावा एक और हदीस है जो आपकी शान में बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल और ख़त्म नबूवत के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो हदीस नुमाया। गज़वा तबूक के मौका पर ये पहला और आखिरी मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को जिहाद में साथ लेकर ना गए, तो हज़रत अली गमजदा हुए। आपने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़े जा रहे हैं, मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरी ज़रूरत जिहाद में ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम्हारे साथ मेरी हैसियत वही है जो हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी मगर मेरे बाद नबी नहीं? क्या मतलब कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम से थे अली तुम मेरे लिए उसी तरह हो जिस तरह मूसा के लिए हारून थे? क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हूर पहाड़ पर जाते या कहीं भी आप किसी दूसरी जगह पर जाते तो आप हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाकर जाते, तो इसी तरह रसूलुल्लाह भी अपना नायब बनाकर
मौला अली को तशरीफ़ लेकर गए, मगर ये जो नियाबत थी ये खिलाफत की नहीं थी, ये इमामत की नहीं थी, ये आपने उनको ये एजाज़ बख्शा कि जितनी देर तक मैं बाहर हूँ तो उतनी देर तक आपने पीछे ये मामलात को देखना है। इसके बाद जो तीसरी जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्या कहते हैं मुनफरिद शान है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर जब आप मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ आ रहे थे तो एक मुकाम है गदीर खुम, वहाँ पे आपने कुछ देर क़याम किया, और गदीर खुम के हवाले से मेरा एक बड़ा तफसीली वीलॉग है, वो भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल के साथ वाक़ बयान किया। वहाँ पर आपने अपने मौला अली की वलायत का ऐलान किया कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला है, और आपने फरमाया कि मन कुंत मौला हूँ फहाजा अली मौला, कि जो यहाँ पे मौजूद हैं वो तो सुन ही रहे हैं, मगर जो मौजूद नहीं है वो जाके दूसरों को बता दें कि क़यामत तक जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला है। और फिर वहाँ पे आपने हज़रत मौला अली को आपने और मौला अली की वलायत का ऐलान किया कि जो वलायत की जो कान है, जो वलायत का मनबा है, वो मौला अली की ज़ात है, और उस वक्त तक कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक मौला अली उसकी सनद पर अपनी मोहर ना लगा दें, तो आप वलियों के शहनशाह हैं और मुक्तदा हैं। और आखिरी हदीस जो इमाम बुखारी ने मौला अली के हवाले से बयान की है, हदीसें तो कई हैं मगर मैं यहाँ पे वक्त की किल्लत के पेश नज़र ये आखिरी हदीस बयान करूँगा कि जब नजरान के कुछ ईसाई जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, वो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और कुछ ईसाई कहते हैं कि वो खुदा हैं। ये आर्थोडॉक्स ईसाई थे जो मदीना मुनव्वरा आए, और उन्होंने हुजूर से मुकालमा किया तो वो किसी बात पर ना आए, और रसूलुल्लाह ने उनको दलीलें पेश की कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, वो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिस तरह आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है उसी तरह ईसा को भी बगैर बाप के पैदा किया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका बहुत बड़ा मौजज़ा है, मगर वो बात को मानते नहीं थे। आपने कुरान की आयात पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह ताला की अलूहियत, उसकी वहदानियत पर आपने दलाल दी, तो आखिर में जब वो ना माने फिर आपने कहा कि आओ फिर खुले आसमान तले चलते हैं। आपने उनको मुबाहले का चैलेंज दिया जिसमें अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हबीब आप इनको कहो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि तुम भी अपने बेटों को लाओ मैं भी अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम अपनी नफ्सों को लाओ मैं अपने नफ्सों को लाता हूँ, और फिर बददुआ करते हैं, और जो झूठा होगा उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत। तो दिन मुकर्रर हो गया तो आप हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा हसनैन करीमैन को लेकर आप खुले आसमान तले वादिया अकीक में आप तशरीफ़ लाए, ये मदीना से 4 किलोमीटर के फासले पर बाहर आए। तो जब वहाँ आए तो जो ईसाइयों का पादरी था या जो उनका प्रिस्ट था, जो पोप था, जब उसने ये नूरानी शक्लें देखी तो उसने अपने बाकी राहबों को कहा कि आप इनसे मुबाहला ना करें, अगर इन नूरानी शख्सियात वाले हाथों ने बददुआ के लिए हाथ उठा दिए तो 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया से ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा, तुम जुजिया दो, माफ़ी मांगो और यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी, जुजिया अदा की, और वो वहाँ से चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुनफरिद मौला अली की और अहले बैत की शान है। और इस मौके पे फिर आपने फरमाया था अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैत, कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे राज़ी हूँ, तू भी इनसे राज़ी हो जा, और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत फरमाएँ तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे बुग्ज़ रखें, जो इनसे हसद रखें, या अल्लाह तू भी उनसे बुग्ज़ फरमा। और फिर आपने आगे फरमाया कि जिसने इनको दुखी किया उसने मुझे दुखी किया, और जिसने मुझे दुखी किया उसने मेरे रब को दुखी किया, और उसका ठिकाना जहन्नुम में। यानी अहले बैत से मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत, और अहले बैत से दुश्मनी रसूलुल्लाह से दुश्मनी। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबानों में झांकें जो अहले बैत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और अपनी नापाक ज़ुबान से इन पाकिस्तानियों के बारे में जिसारत जो करते हैं, तो बस उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी आखिरत की फिक्र करें। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा हसनैन करीमैन, ये वो हस्तियाँ हैं कि जहाँ पे दलीलें, जहाँ पे दलाइल, मुकालमे ये काम नहीं करते, यहाँ पे अपनी गर्दन को सरे खम कर देना चाहिए, इतना ही काफ़ी। अगर ये पूछना है सलमान फ़ारसी से पूछो, अम्मार बिन यासर से पूछो, सुहैब रूमी से पूछो कि जिन्होंने अहले बैत से कितनी मोहब्बत की। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो आपने फिर रसूलुल्लाह को अपने मुबारक हाथों से गुस्ल भी दिया, और अपने आपने उनको लहद में भी उतारा। और इस तरह रसूलुल्लाह के विसाल के बाद भी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान,
इन तीनों खुलफा के दौर में आपने भरपूर रुपये सलासा का साथ भी दिया और आप इनके दौर में उनके मशीर भी थे, वज़ीर भी थे, और तो उमर फ़ारूक के दौर में तो आप चीफ जस्टिस थे, यानी काजिल कुजा थे आप पूरे मुमलिकत इस्लामिया के। और तो उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि अगर उमर ना हो, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, यानी आपके खुलफा राशिदीन के दरमियान आपका ये मुकाम और इतनी आपकी अजमत थी कि वो कोई भी काम, कोई भी जो फैसला लेते थे आपके मशवरे के बगैर नहीं करते थे। फिर आपका जब दौरे हुकूमत आया उसमें फिर तीन जंगें हुई, जंगे जमल, जंगे सफ़ीन और जंगे नहरवान, जो मुनाफ़ों की चालों की वजह से हुई, जिसमें मुनाफिकीन दोनों तरफ से शामिल हो गए, उन्होंने मुसलमानों के दरमियान ये फतूर डाला। मगर अहले सुन्नत का और तमाम आलम इस्लाम का इसमें मुत्तफ़िक का अकीदा है कि इन तीनों जंगों में मौला अली हक पर थे। जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे, जंगे सफ़ीन में भी मौला अली हक पर थे, और जंगे नहरवान वो तो खालिस्तन मुनाफों के दरमियान नहीं थी, मौला अली हक पर थे। और कस्बे और जंगे जमल में जो मुखालफ में थे उनकी वो इज्तिहादी ख़ता थी, जिसमें हज़रत ज़ुबैर, सईद, आयशा, सदीक़ा शामिल हैं, उनकी इज्तिहादी ख़ता थी, उस पर उन सब ने माफ़ी भी मांगी। और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो आपकी जंग हुई वो भी उनकी ख़ता थी। और जंगे नहरवान जो हुई वो तो खालिस्तन खारजियों के ख़िलाफ़ हुई। तो जब इन जंगों से आप फारग हुए, उसके बाद जब आप वापस कूफा तशरीफ़ लाए, तो 18 या 19 रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी को इबन मुलजम, अब्दुलरहमान इबन मुलजम, ये वो बदबخت इंसान था जिसने मौला अली के खून से अपने हाथों को रंगा। रसूलुल्लाह की हदीस है कि दो शख्स बहुत ही बदबخت हैं, और ऐसे वो बदबخت हैं कि जिनसे जहन्नुम भी पनाह मांगता है और उनकी कभी बख्शिश ना होगी। तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह वो कौन है? तो आपने फरमाया, एक वो बदबخت शख्स जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचों को काटा, यानी उसकी उनकी टांगों को काटा और उस ऊँटनी को शहीद किया। और फरमाया दूसरा वो ए अली जो तुझे शहीद करेगा। फरमाया ये वो दो बदबخت शख्स हैं जिनसे जहन्नुम भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं वो कैसा बंदा होगा जिससे जहन्नुम भी पनाह मांग रही है कि ये मेरे अंदर ना आए। तो फिर 19 रमज़ान मुबारक को इस बदबخت शख्स ने हालत नमाज में, मौला अली जैसी आप रुकू की हालत में गए, इस बदबخت ने आपको पर तलवार से वार किया जो आपकी कनपट्टी से गर्दन तक उतर गई। 20-21 दो दिन आप बिस्तरे मर्ग पर रहे, हालत अलालत में रहे, और 21 रमज़ान मुबारक इशा की नमाज के बाद आपने कुछ वसीयतें फरमाई हसनैन करीमैन के बारे में, आपस में इत्तफाक़ और इत्तेहाद करना, और अहले बैत से डरना, और लोगों में इंसाफ करना, और भलाई करना। और आपने वो खुतबा इरशाद फरमाया, और उसके बाद फिर आपका आपकी शहादत हुई, और आपकी शहादत के बाद आपका जो कातिल था उसको एक ज़रब लगाई गई, उसको वास्ते जहन्नुम किया गया। और आपकी शहादत के बाद फिर मुसलमानों ने शूरा के ज़रिए इमाम हसन को मुत्तफिक का खलीफा मुकर्रर किया। हज़रत इमाम हसन को मौला अली ने खलीफा नामज़द नहीं किया, बल्कि शूरा ने क्या कहते हैं उनको मुकर्रर किया। बाद लोग यजीद की मिसाल देते हैं कि अमीर मुआविया ने यजीद को मुकर्रर किया, तो उन्होंने वही सुन्नत अमल की जो मौला अली ने की। तो मौला अली ने हज़रत हसन को खलीफा नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह की तरह इस दुनिया से जाऊँगा, क्योंकि ना रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसी को खलीफा बनाया ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि शूरा ने आपके शहादत के बाद फिर खलीफा बनाया। तो 21 रमजान मुबारक को आपकी शहादत हुई, आपको गुसल दिया गया, कफन देने के बाद फिर आपको इमाम हसन ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और कूफा से बाहर नजफ अशरफ ने आपको वहाँ पर दफन कर दिया। तो ये गुमनाम जगह थी जहाँ पर आपको दफन किया गया। बाद में खलीफा हारून रशीद के दौर में फिर आपकी कब्र ज़ाहिर हुई। इसमें भी अल्लाह का हिकमत थी कि जो खारजी जो मुनाफिक लोग थे, नुकसान तक वो आपके जिस्म मुबारक को भी नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए 3 सदियों तक आपकी आपके जिस्म मुबारक को पोशीदा रखा गया। और 182 हिजरी में खलीफा हारून रशीद के दौर में फिर जब वहाँ से गुजर रहा था और एक वाक़ा हुआ काफ़ी तफसीली है, तो फिर आपका जो कब्र मुबारक है उसकी निशानदेही तो उसने वहाँ पर गुंबद बनाया। और फिर रिसेंटली सद्दाम हुसैन के दौर में वहाँ पर मज़ीद फिर इसकी तामीर हुई, और आज भी आपका मज़ार वहाँ पर मज़ा खला है। तो मौला अली की बारगाह में ये छोटा सा खराज अकीदत था जो मैंने कहा, उनके सग होने के नाते मैंने पेश किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजह करीम की तालीमात अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके सदके हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अहले बैत इकराम सहाबा इकराम से वालेहाना अकीदत मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।